करती हैं। वादशाह राजपूत की पत्नी जो हमें पुष्पों की हार से और 501 रुपए से सम्मानित कर रही हैं, वादशाह राजपूत की धर्म पत्नी और ये भाभी जी बादशाह राजपूत की पुत्रवधू पुष्पों के हार से 501 रुपए से सम्मानित कर रही हैं और हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को सम्मानित कर रही हैं 600 रुपए से। कामना करेंगे ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। बोलिए शंकर भगवान की। जब गिरजा जी ने कहा है सप्तऋषियों हम भगवान की भक्ति करने आए हैं और हम उन्हें पाना चाहते हैं। सप्तऋषि कहने लगे हम जानते हैं बेटियां इसलिए भगवान की भक्ति किया करती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। इसलिए किया करते हैं ना, अच्छी शादी के लिए। और शादी हो जाए फिर कहती हैं अब जो भी था नसीब में मिल ही गया, भक्ति करना क्या जरूरी है। नरक है या स्वर्ग, जहां आना था वहां पहुंच गए, अब भक्ति में क्या रखा है। गिरजा जी कहती हैं हाँ आपने हमें सच पहचाना, हम भगवान भोले बाबा के साथ में शादी करना चाहते हैं। सप्तऋषियों ने कहा कामदेव के साथ शादी कर लो। बोले नहीं, शादी करनी है तो भोले बाबा के साथ करूंगी। अब सप्तऋषि जी बड़े ही प्रसन्न हुए हैं मन ही मन में, क्योंकि एक तारक नाम का राक्षस था, पृथ्वी पर घोर अत्याचार घोर पाप कर रहा था, चैन से किसी को जीने नहीं देता था। यदि उसे कोई मारना चाहता भी था मार नहीं सकता था। देवताओं ने आकाशवाणी में बताया था कि इसे मारने के लिए भगवान भोले बाबा की संतान की जरूरत है। सप्तऋषि यही सोच सोच करके दुखी थे कि भगवान भोले बाबा का विवाह नहीं हुआ, संतान कहां से आएगी। पहले शादी करवाई तो सप्तऋषि गिरजा जी के पास इसलिए आए थे कि वो जानना चाहते थे गिरजा जी शादी करना चाहती हैं या नहीं। जब उन्हें पता हो गया कि गिरजा जी भगवान भोले बाबा के साथ में शादी करना चाहती हैं, बड़े प्रसन्न हुए। अब इस बात से दुखी हैं कि भगवान भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं, जो भी उनकी समाधि खुलवाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा, क्या करना चाहिए। जाकर के कामदेव के पास पहुंचे हैं, कहा है सप्तऋषियों ने हे कामदेव जी आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। बोले कौन सा काम। कि आपको भगवान भोले बाबा की समाधि तोड़वानी होगी, सृष्टि को बचाना पड़ेगा,
यदि आपने ऐसा नहीं किया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कामदेव ने कहा चिंता न करो, आप जो कह रहे हैं हम मानने को तैयार हैं। आज कामदेव सभी अप्सराओं को साथ में लेकर के चल दिए, जाकर के भगवान भोले बाबा के सामने नृत्य करने लगे, झूमने लगे, ताकि भगवान की तपस्या भंग हो जाए, समाधि टूट जाए, क्योंकि मन को मोहने वाला केवल एक संगीत होता है। यदि हम कहीं बिजी हों, पास में ही संगीत बज रहा हो, म्यूजिक बज रहा हो, हम बहुत कोशिश करें पढ़ने की, पढ़ नहीं पाएंगे। हमारा मन संगीत अपनी ओर खींचेगा, संगीत में इतनी बड़ी ताकत होती है। आज भगवान भोले बाबा तपस्या में लीन हैं, समाधि लगाई बैठे हैं। कामदेव ने देखा है कि भगवान भोले बाबा पर कोई फर्क नहीं है। कामदेव ने एक पुष्पों का बाण छोड़ा, जाकर के भोले बाबा के तीसरे नेत्र में लगा, भोले बाबा की समाधि टूट जाती है। तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकली, कामदेव जल करके भस्म हो जाते हैं। आज जब कामदेव जल करके भस्म हो गए, कामदेव की पत्नी रति भागी चली आई, अपने पति को देखा है, देखते ही रोने लगती हैं, विलाप करने लगी, प्रभु अरे आपने तो मेरे जीवन की सारी खुशियां ही छीन ली। जबकि आप हर किसी को खुशियां देने वाले हैं प्रभु, फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कामदेव की पत्नी रति को दुखी देख करके भगवान को दया आ जाती है, फिर से कामदेव को जीवन दान दिया है। इधर भगवान भोले बाबा के पास में सप्तऋषि आए हैं मौका पा करके। भोले बाबा से कहा है, भोलेनाथ अकेले बैठे हो, कैसा लग रहा है कैलाश पर्वत पर? भोले बाबा कहने लगे क्या करें, अकेले हैं तो अकेले ही रहना पड़ेगा। जवाब दिया है, जिस घर में नारी नहीं होती वो घर सूना सूना लगता है, तो क्यों ना आप हमारे कहने से अपनी शादी कर लें। भोले बाबा बोले, हम बूढ़े हो चुके हैं, अपनी बेटी की शादी हमसे कौन कर देगा इस उम्र में? सप्तऋषि कहने लगे, शादी करने को तुम तैयार हो जाओ, शादी तो हम करवाएंगे। मझिया दमदार हो, शादी पक्की होती है। आज सप्तऋषियों ने जब भगवान भोले बाबा को बताया, तो भोले बाबा ने कहा, हम तो शादी के लिए एकदम तैयार हैं, करवाओ शादी। बोले ठीक है। जाकर के सप्तऋषि महाराज हेमांचल नगरी में जाकर के हेमांचल जी के पास पहुंच करके बताया है कि तुम्हारी महलों में बेटी जवान है, शादी के योग्य है, और बेटी यदि शादी के योग्य हो गई हो, समय से हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है, माता पिता बेटी का कन्यादान लेने से धन्य हो जाते हैं, तर जाते हैं।
महाराज हेमांचल जी ने जब ये बात सुनी तो मन में विचार किया, हमारी तो इकलौती बेटी है, हमें कन्यादान ले लेना चाहिए। बोले ठीक है, हम शादी करने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक हमने बेटी के लिए कोई वर नहीं देखा, आपकी नजर में कोई वर है तो बताइए। सप्तऋषियों ने कहा वर देखा है तभी तो हम आपके पास आए हैं। भगवान भोलेनाथ जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, यदि आप अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सप्तऋषियों से महाराज हेमांचल जी ने कहा है कि हमें आप पर भरोसा है, जाइए शादी पक्की कर दीजिए, हमारी ओर से लगन भी ले जाइए। अब तो सप्तऋषि बड़े ही प्रसन्न हैं। आज सप्तऋषि जी लगन लेकर के भगवान भोले बाबा के द्वार पर पहुंचे हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही लगन देखी है तो बड़े प्रसन्न हुए। शिव शंकर भूली ना समाई, लगुन आई हरी हरी लगुन आई मेरे अंगना। शिव शंकर तब नाचती हैं बिना कहे, और यहां देखो गाया भी नहीं जाता। थक जाओगी क्या? शिव शंकर भूली न समा, लगुन आई हरी हरी लगुन आई मेरे अंगना। शिव शंकर शिव शंकर
इधर भगवान भोले बाबा ने नादिया से कहा है, बिल्कुल भी देरी ना करो, शादी करने के लिए जाना है। जितने भी भूत प्रेत हैं निमंत्रण भेजो ने, और उनसे कह देना कि भगवान भोले बाबा का विवाह है। जाकर के नांदिया पहुंचा है, शुक्र और शनिचर के द्वार पर आवाज लगाई। शुक्र और शनिचर जैसे ही द्वार पर आए हैं, नादिया ने ऐसा भेष देखा, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान। नादिया कहने लगा, ऐसे भेष में आप जाओगे, इतने बड़े बड़े दांत, सूप जैसे कान, हमें लगता है शादी हो नहीं पाएगी। अब नांदिया बड़ा हैरान, मन में विचार किया, शादी क्या हमें करनी है, भोले बाबा की शादी हो या ना हो हमें क्या मतलब, हमें तो अपना काम पूरा करना है। सभी को निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने के बाद लौट करके भगवान भोले बाबा के पास में आए हैं। जवाब दिया, भोलेनाथ आप जानते हो ना, गलती बाराती करते हैं, गालियां किसको मिलती हैं? यदि कोई बाराती गलती कर दे, गालियां किसे मिलती हैं? दूल्हा को। इसलिए बाराती अच्छे ले चलो। और आज के समय में क्या चल रहा है भैया, बारात का निमंत्रण बुजुर्गों को दिया जाए और बारात में जाते हमारे जवान भाई, क्यों? वो सोचते हैं कि हमारा भी नंबर आ जाएगा। हाँ, सस्ते में पड़ जाएगी शादी, कोई बढ़िया सी मिल गई है, डाल लेंगे हमारे यहाँ। लेकिन याद रखो, हमेशा बारात में बुजुर्गों को ले जाइए, जवान भाइयों से सावधान रहिए। ये तो टाइम पास के लिए जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों को समझता कौन है? पास में यदि कोई बुजुर्ग बैठा हो और हमारे भाई गलती से जाकर के बैठ जाएं, बाद में वहां बैठेंगे नहीं, देखने के बाद उठ के दूसरी जगह पर बैठेंगे जहां हमारे जवान भाई बैठे हों। कहा जाता है कि जरूरी ये नहीं हर सबक किताबों से सीखे जाएं, कुछ सबक ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्गों से सीख लिए जाते हैं। एक बार की बात कि एक ट्रेन में, एक डिब्बे में केवल एक बुजुर्ग बाबा जी बैठी रही और सवारियां थी वो जहां तहां उतर गई। क्या नाम है? और इस नन्ही सी बच्ची संध्या की तरफ से 101 रुपए आ रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु से, इस बच्ची को प्रभु सर्व बुद्धि प्रदान करते रहें। तो उस ट्रेन के डिब्बे में केवल बूढ़े बाबा जी बैठे रहे और एक कॉलेज से 10-12 लड़के निकले, जाकर के उसी डिब्बे में पहुंच गए जहां पर केवल एक बाबा जी थे। अब बाबा जी अकेले और जवान भाई 12 रहे। अब भाई आपस में कह रहे हैं कि टाइम पास नहीं हो रहा है, बहुत देर हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करना चाहिए?
लड़कों में से एक मुखिया था, उसने जवाब दिया, ट्रेन में बैठे यहाँ कोई खेल तो खेल नहीं पाएंगे। एक लड़का बोला, ऐसा करो जो बूढ़े बाबा बैठे नहीं परेशान करो। बोले कैसे? जवाब दिया, ट्रेन की चेन खींचो, पूछताछ होगी, इनका नाम रख दे। कहा कि यदि टीटी आया तो, पुलिस आई तो, पकड़े गए फिर क्या करोगे? बोले रुपए जमा कर लो। पुलिस को रुपए दे लेकर के हिसाब कर लेंगे, बात तो बन जाए। अब बाबा जी बैठे हैं लेकिन सब देख रहे हैं। अब बाबा जी सावधान बैठे हैं। लड़कों ने 100-100 रुपए किए, 1200 रुपए हो गए, एक लड़के के पास जमा कर दिए। ट्रेन की चैन खींची, बहुत देर से शोर शराबा कर रहे हैं, बाबा जी को परेशान कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन की चैन खींची, ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन रुकी तो पूछताछ की गई, चैन किसने खींची? लड़के बोले, साहब बाबा ने खींची है। अब बाबा जी अकेले मन में विचार करने लगे, हम अकेले और ये बार है, इनके आगे हमारी कहाँ चलने वाली, क्या करें? और हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं अवधेश भैया जी की धर्म पत्नी, और ये भाभी जी हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। ऐसे भक्तों के घर में सुख शांति बनी रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। बोली शंकर भगवान की। तो अभी हम क्या कह रहे थे जानना चाहते हैं, आपका ध्यान यहाँ है या नहीं बताइए। अब बूढ़े बाबा जी टीटी से कह रहे हैं, साहब हम अकेले हैं इसलिए ये लड़के हमारा नाम रख रहे हैं। लड़के बोले, नहीं साहब, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? बाबा जी मन में विचार करने लगे, हम ही तो बूढ़े हो गए हैं, बुद्धि बूढ़ी नहीं हुई है। उन्होंने सोचा, अब हम भी बुद्धि का इस्तेमाल करें। हाथ जोड़ लिए, साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यदि कह रहे हैं तो चैन हम ही ने खींची है। टीटी ने पूछा, क्यों? साहब ये 12 लड़के और हम अकेले, बहुत देर से ये लड़के हमें परेशान कर रहे हैं, इन सभी लड़कों ने मिलकर के हमसे हमारे 1200 रुपए छीन लिए। पुलिस ने कहा, किसके पास? बाबा जी पहले से ही देख रहे थे, उन्होंने बताया कि इसके पास। तलाशी ली गई तो उसी लड़की के पास 1200 रुपए निकले। तो सभी लड़के पकड़ लिए गए। तो इसलिए कहते हैं मेरे भाइयों, बुजुर्गों से हमेशा सावधान रहिए, तन ही तो बुजुर्ग है, बुद्धि बुजुर्ग नहीं है। कुछ सीखना चाहते हो तो इनसे सीखिए, लेकिन आपको उनकी संगति अच्छी नहीं लगती, कहते हैं कि जिस पेड़ से पत्ते जुड़े होते हैं वो पत्ते सलामत होते हैं। पत्थर का टुकड़ा बड़े पहाड़ से जुड़ा होता है, सलामत होता है। एक
परिवार का सदस्य जब अपने परिवार से जुड़ा होता है सलामत होता है। परिवार से अलग होने के बाद आजादी तो मिल जाएगी पर संस्कार नहीं मिलेंगे। जीवन में यदि हर खुशी हासिल करना चाहते हो तो परिवार से मिले रहिए, माता पिता से मिले रहिए। हमारा परिवार ही हमारा स्वर्ग है। जिंदगी और उम्र में यही फर्क है। अपनों के साथ जियो वो जिंदगी होती है, बाकी उम्र कहीं पर भी व्यतीत कर दो। कहते हैं इतनी उम्र हो गई हमने सुख नहीं जाना। अपनों के साथ जी करके देखो जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। इधर भगवान भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं। हल्दी है नहीं, तन पे भस्म लगा ली। नादिया ने कहा कि हम तुम्हें अच्छी तरह से दूल्हा बन